हेलो एवरीवन, काफ़ी टाइम बीत गया था ना, तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा काफ़ी टाइम से नहीं खाया था, क्योंकि बाहर हम लोग खाते नहीं हैं, घर का ही अच्छा लगता है सबको। और पिज़्ज़ा हम लोग पहले घर पे नहीं बनाते थे, लेकिन मेरी फ्रेंड ने एक बार ना अपने घर पे अपनी एनिवर्सरी पे बुलाया, तो उसने हम लोगों को घर पे ही बना के खिलाया। तो इतना ज़्यादा मुझे टेस्टी लगा ना, कि वो फीलिंग मुझे इतनी अच्छी लगती है कि अब मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को उसी फीलिंग का पिज़्ज़ा अच्छा लगता है। तो उस फीलिंग को ना मैं आज कैसे बनाते हैं आप सभी को बताऊंगी, तो आप लोग भी एक बार ज़रूर से ट्राई करना। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं अगर आप लोगों को स्मेल करता है। फिर मैंने इसमें दो बड़े बड़े प्याज काट के डाले, एक बड़ा टमाटर काट के डाला, बहुत हल्का सा हमने इसे सॉटे कर लिया। फिर इसमें शिमला मिर्च डाली बहुत सारी और इसके बाद मैंने इसमें डाले कॉर्न बहुत सारे। सब चीज़ें हमें ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए लेनी है ना, कि जिस क्वांटिटी में हम 8 से 10 पिज़्ज़ा बना सकते हैं इस फिलिंग को बनाने के बाद, उस क्वांटिटी में सिर्फ 3 पिज़्ज़ा बनते हैं, 3 से ज़्यादा पिज़्ज़ा नहीं बनेगा। क्योंकि क्वांटिटी जब पकती है ना तो ये कम हो जाती है। फिर मैंने जब शिमला मिर्च और कॉर्न को सॉटे किया, उसके बाद इसमें पनीर डाल दिया, फिर थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच मेयोनीज डाला और 2 चम्मच मैंने इसमें सेजवान सॉस डाला। इन सभी को नमक मैंने नहीं डाला, क्योंकि सब चीज़ों में नमक रहता ही है, तो इस वजह से नमक को मैंने स्किप कर दिया। आप अगर तेज़ खाते हैं नमक तो डाल सकते हैं। कलर देखिए कितना अच्छा आया है। तो एक बार ना आप लोग भी इस फीलिंग के साथ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है अगर घर पे बनाइए। तो इसके बाद मैंने पिज़्ज़ा बेस पे लगाया पिज़्ज़ा सॉस, फिर मैंने इसके ऊपर जो फीलिंग हमने बनाई थी ना वो फीलिंग सारी डाल दी, ऊपर से मैंने बहुत सारा चीज़ डाल दिया। मतलब चीज़ आपको जैसा पसंद है, हैवी पसंद है ज़्यादा डाल लीजिए, कम पसंद है कम डालिए, अपने अकॉर्डिंग आप डाल लीजिए। इसके बाद चीज़ डालने के बाद मैंने इसे माइक्रोवेव में, सॉरी एयर फ्रायर में मैंने इसे रख दिया करीब 4 मिनट के लिए, क्योंकि मैं एक पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो उसको उसकी चीज़ को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देती हूँ, क्योंकि वाशु को नहीं पसंद है। फिर जब नेक्स्ट पिज़्ज़ा बनाया ना मैंने, उसका चीज़ मैंने काफ़ी अच्छे से रेड कर दिया था, क्योंकि जिसको जैसा पसंद है ना वैसा बनाया, और आपको जैसा पसंद हो ना बिल्कुल उस तरीके से बनाइए। बहुत ज़्यादा चीज़ पसंद है तो बहुत ज़्यादा चीज़ डाल लीजिए, लेकिन ये वाली फीलिंग ना आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे आप सैंडविच में भी डाल सकते हैं, इसे आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं, इसका आप पराठा रोल भी बना सकते हैं। मतलब ये फीलिंग ना आपका बहुत सारी चीज़ों में वर्क करता है, और बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो इस फीलिंग को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसके साथ पिज़्ज़ा का जो कॉम्बिनेशन है ना इतना ज़्यादा अच्छा है कि मैं क्या ही बताऊँ। और ये हमारा पिज़्ज़ा बन चुका है, तो अब किसी से रहा नहीं जा रहा, ये भी 2 बार पूछने आए क्या बना नहीं अभी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना, जब कोई चीज़ ज़्यादा दिन के बाद खाओ तो अच्छी लगती है, और अगर रेगुलर आप खा रहे हैं तो उस चीज़ों में उतना टेस्ट नहीं आता है। तो ये हो गई हमारी पिज़्ज़ा पार्टी, तो आप लोग भी बनाइए खाइए, लेकिन मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय माता दी।